कराते क्लास चल रहा था 14 जनवरी 1964। पांचवें की पेज के आदि में बात चल रही थी, सिंध का रहने वाला उसमें ज्ञान सागर प्रवेश करके बोलते हैं, उसको तो कोई भी नहीं जानते हैं, पुकारते हैं वो गॉड फादर, परंतु वो गॉड फादर का रूप क्या है, देश क्या है, काल क्या है, ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। कौन से समय की बात बताई, कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर का देश भी नहीं जानते हैं, काल भी नहीं जानते, रूप भी नहीं जानते। कौन से टाइम की बात है, अरे 64 की वाणी है ना, उस समय कोई भी नहीं जानते हैं। ये सिंध का रहने वाला ब्रह्मा जानता था, जानता था, वो भी नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया है कि उसका नाम रूप देश काल है ही नहीं, वो तो निराकार है, अर्थात कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो नाम रूप देश काल कैसे होगा, नाम रूप देश काल तो साकार का होता है ना, उसको कोई भी आकार नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो फिर क्या है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है, तो कहेंगे घट घट में है, वो घट घट का वासी है, यानी सबके अंदर है। अब वो अंदर कहाँ बैठे हैं, हर एक के घट घट में तो आत्मा बैठी हुई है, परमात्मा तो घट घट में नहीं है। सब आत्माएं भाई भाई हैं, घट घट में परमात्मा कहां से आया, ऐसे थोड़े ही है कि हर एक मनुष्य में परमात्मा भी है तो आत्मा भी है। सिर्फ एक शरीर में वो परमात्मा भी है आत्मा भी है। क्या कहा, किसने कहा है, एक शरीर में है सिर्फ या सभी शरीरों में है, है? सिर्फ एक में है ना, परंतु उस समय जानते कोई नहीं, जब प्रत्यक्ष हो तो जाने कि एक शरीर में आत्मा भी होती है परमात्मा भी है। जबकि बाप परमात्मा को बुलाते हैं कि बाबा करके हमको पति से पावन बनाओ, बाप खुद कहते हैं ना कि बच्चों मुझे तुम बुलाते हो यही धंधा देने के लिए,
वही सेवा कराने के लिए कि हम अच्छी अच्छी मूत पलीती बन गए हैं, हमको आकर के शुद्ध बनाओ, इसीलिए तो बुलाते हो। और मुझे बुलाते कहाँ हो, छी छी दुनिया में, पतित दुनिया में है। उस छी छी दुनिया के नाम क्या क्या दिए हुए हैं है? जहां आते हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, परंतु जहां आते हैं उस छूछी दुनिया के नाम क्या क्या हैं? है, जोर से बोलो। कायम गंध, दुड़वारे गंध, दरियाओ गंध, कास गंध, खुदा गंध, गंध ही गंध। ऐसे ऐसे नाम दे दिए हैं। और तुम हमको पतित दुनिया में निमंत्रण देते हो, पावन दुनिया में ऐसे बाप को बुलाते नहीं हो, बोलते हैं हम पतित हैं, हमको चाहिए पावन बनाने के लिए। बाबा पावन दुनिया तो देखते ही नहीं है, बाबा तो पतित दुनिया ही देखते हैं। पतित दुनिया में तुम्हारी सेवा करने के लिए आते हैं, तो मूत पलीती हो ना। सभी मूत पलीती भिखारी हो तो आते हैं, हम बुलाते हैं, बोलते हैं। अभी भिखारी यानी रावण की ये दुनिया खत्म होती है, ये सब विनाश हो जाएंगे, बाकी जाकर क्या बचेगा? भारत के जो राजयोग सीखते हैं वो ही बचेंगे। ये राजयोग है, राजाओं का राजा बनाने वाला है। अब राजाओं का राजा कौन बनाएगा? यहां तो इस दुनिया में नौ पर चाकर बनाए देते हैं, वकील बनाए देंगे, जज बनाए देंगे, कलेक्टर मिनिस्टर बनाए देंगे, वो भी तो सेवाधारी हैं, उनके ऊपर भी तो कोई बास बैठे हुए हैं। राजा तो कोई नहीं बनाता, राजा के ऊपर कोई होता है क्या? तो देखो, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आता हूं, राजयोग सिखाता हूं राजाओं का राजा बनाने के लिए। तुम राजा बनने वाले हो, कल्प कल्प हर पांच चार वर्ष तुमको ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और लंबे टाइम के लिए पढ़ाई जाती है, वो तो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं, और एक ही बार पढ़ने के बाद पढ़ाई खत्म, प्राप्ति भी खत्म। और यहां तो तुम एक ही बार पढ़ते हो और अनगिनत बार प्राप्ति करते हो। ये प्राप्ति तुम्हारी बंद होने की नहीं है, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर तुम ढेर के ढेर आते हो,
लाखों करोड़ों आएंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता की राजधानी स्थापन हो रही है। पहले ब्राह्मण कुल होता है, देखो तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, प्रजापिता ब्रह्मा को गाया जाता है ना, ब्रह्मा जिसको एडम कहते हैं, आदि देव कहते हैं, तुमको मालूम नहीं है कि आदि देव क्या करते हैं। देव है तो जरूर नई दुनिया की याद ही करते होंगे ना। अभी प्रजापिता ब्रह्मा के इतने करोड़ ब्राह्मण होंगे, क्योंकि उनको ही देवता और क्षत्रिय बनना है, सतयुग त्रेता की राजाई लेनी है। तो यहां संगम युग में ही इतने सभी बनने वाले हैं और ढेर हैं, इस समय में भी लाखों हैं, क्योंकि भले जो आकर के सुनकर भी चले जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, पुण्य आत्मा बनते बनते फिर पाप आत्मा बन जाते हैं, तो बाबा समझाते हैं ना मुरली में। मुरली पढ़ते हो ना कि माया बड़ी जबरदस्त है, माया सबको पापात्मा बनाई देती है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसको माया पाप आत्मा न बनाई देती हो, और इस दुनिया में सब पाप आत्मा है। इस समय में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है, कोई भी पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं थी, तो दुनिया में जब सब पतितात्मय बन जाती हैं, फिर उनको पावन कौन बनावे? तो बाप को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? कौन से बाप को? लौकिक बाप तो ढेर के ढेर हुए हैं जन्म जन्मांतर, अनेकानेक धर्म हैं, उनके भी धर्म पिताएं हुए हैं, तो वो क्या आकर के पावन बनाते हैं और ही पतित बनाई देते? आपको बुलाते हैं, जरूर आत्माओं का बाप है। और आत्माओं का बाप ऐसा है जो कभी पतित नहीं बनता। आत्माएं निराकारी हैं और वो बाप सदाकाल का निराकारी है। समझना चाहिए ना, आत्माओं को पावन कौन बनाता है? बाप एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? है
क्योंकि तुम सब दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, पुरु माने शरीर, शा माने शयन करने वाली आत्मा, शरीरों में शयन करने वाली जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब में तुम उत्तम बनते हो। ऐसे नहीं है कि एक नारायण ही पुरुषोत्तम बनता है। अभी तुम अपने को पुरुषोत्तम कहेंगे, अभी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम तो देवताओं के ऊपर माथा टेकते हो। माथा इसलिए टेकते हो कि तुम उत्तम नहीं हो। उत्तम तो क्या, मध्यम भी नहीं हो, कनिष्ठ हो, पांच विकारों से भरे हुए हो। और ऐसे भरे हुए यहां भी तो है ना, बहुत राजा रजवाड़ा भी हैं, और फिर वजीर भी हैं, साहूकार भी हैं, गरीब भी हैं। फिर दुनिया में देखो कचड़े में बैठने वाले भी हैं, शहर शहर में कितनी झोपड़पट्टियां हैं नालों के किनारे, परंतु इस दुनिया का नाम है दुख धाम और वो है सुखधाम। वहां सुख ही सुख है, अकाले कोई मरता ही नहीं है, और यहां दुखी ही दुख है। कितनी अकाले मौतें बढ़ती जाती हैं, कोई भी मर सकते हैं, पेट में भी मर जाते हैं, पेट से बाहर निकलते ही मर सकते हैं। 14 जनवरी 1964 की वाणी का छठा पेज। इसलिए इस दुनिया का नाम रखा है मृत्यु लोक, और देवताओं की सतयुगी त्रेतायुगी दुनिया का नाम है क्या, अमर लोक। चक्र फिरता है, सतयुग था अभी कलयुग है, अमर लोक था जिसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक कहा जाता है। क्यों नरक क्यों कहा जाता है और स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि नरक की दुनिया नरमाना मनुष्यों ने बनाई हुई है, और स्वर्ग की दुनिया स्वयं स्थिति में रहने वाले ने बनाई है, जो सदैव स्वयं स्थिति में रहता है। इसलिए उसकी रचना को स्वर्ग कहा जाता है। तो देखो अभी स्वर्ग बन रहा है, उस स्वर्ग का बनाने वाला तो बाप ही ठहरा, नई दुनिया को बनाने वाला बाप है। तो देखो यहां कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं, उसको ही अंग्रेजी में नाली स्कूल कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य है, सारी दुनिया का बीज रूप है। कौन सी दुनिया का बीज रूप है? साकार
साकार दुनिया का बीज रूप है या निराकार आत्माओं की दुनिया का बीज रूप है? निराकार आत्माओं की दुनिया का बीज रूप है। ज्ञान का सागर कहा जाता है कि सूर्य कहा जाता है? सागर और सूर्य में अंतर नहीं है, है? सागर नीचे है और सूर्य ऊपर है, तो आत्माओं का बीज है शिव बाप और साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है प्रजापिता। निराकार बाप जब निराकार ही दुनिया में रहते हैं तो निराकारी दुनिया में आत्माएं जड़वत हैं या चैतन्य है? वहां कोई भी चैतन्य नहीं है क्या? है? कोई भी चैतन्य नहीं है, क्योंकि चैतन्य की परिभाषा है चलता फिरता। तो ये जो साकारी दुनिया है उसका जो बीज मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें वो निराकार बाप प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है चैतन्य दुनिया का बीज रूप। नहीं तो साकार में से अगर उस निराकार बाप बीज रूप शिव को अलग कर दिया जाए तो क्या रह जाएगा? बोलता चालता रहेगा? है? नहीं, शिव नहीं है तो सब है। शिव है तो चैतन्य, तो जो चैतन्य बीज रूप है वो ही चैतन्य है ना, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। सागर धरती से चिपक के रहता है या सूर्य रहता है? और ज्ञान कौन सा है? तो चैतन्य बीज रूप में कौन सा ज्ञान है? वो ऐसे नहीं है कि जैसे मनुष्य समझते हैं कि सब के अंदर जानते हैं, वो अंतर्यामी है। नहीं, अंतर्यामी नहीं है। क्यों है? अंतर्यामी क्यों नहीं है? और अंतर्यामी कौन होता है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला शिव है, जन्म मरण के चक्र में आता है क्या? नहीं। तो अंतर्यामी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। जो भी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं और उस चक्र से छुटकारा नहीं हुआ है, सदाकाल की निराकारी परम धाम की स्टेज नहीं बनी हुई है, तो वो बहिर्यामी होंगी या अंतर्यामी होंगी? बहिर्यामी होंगी। तो मनुष्य जो समझते हैं कि भगवान जो इस सृष्टि पर आता है वो अंतर्यामी है, अरे अंतर्यामी होता तो तुम्हारा एक एक का पोता मिल लेने का प्रावधान क्यों रखा जाता?
फिर पोता मिल देने की जरूरत है? तो कौन सी आत्मा अंतर्यामी है और कौन सी बहिर्यामी है? एक ही शरीर में, एक ही व्यक्तित्व में दो आत्माएं हैं, एक सेवा जो सदा काल का निराकारी स्टेज वाला है, और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप जो पुरुषार्थ करने के बाद निराकारी बनता है। अल्पकाल के लिए बनता है या सदा काल के लिए बनता है? है? अगर कहें 2500 साल आत्मा बीज रूप स्टेज में है तो भी अल्पकाल है या सदा काल है? अल्पकाल ही कहेंगे। तो मनुष्य ये बात जो बोलते हैं कि वो अंतर्यामी है, वो रंग है। हाँ, ज्ञान का सागर ठीक है, सागर कहीं खारा और सागर कहीं मीठा भी होता है, सागर कहीं इतना गहरा भी होता है कि आज तक उसकी कोई था ले नहीं सका। तो समझा ज्ञान का सागर क्यों है? क्योंकि बीज है, चैतन्य है ना, जड़ बीज तो नहीं है ना, वो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। और वो ज्ञान अभी तुम बच्चों को भी मिल रहा है। अभी देखो, बाप आए हैं किस जन्म सदा सुखी रहने के लिए, एकदम शुरू से एकदम शुरू। कब कहें है? षष्ठी और दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, शुरू में सत्व प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो षष्ठी जब एकदम शुरू में होती है वो कौन सा टाइम है? सतयुग है या तेरता है, है या द्वापर कलयुग कहें? क्या कहें? सतयुग कहें? सतयुग एकदम आदि नहीं है सृष्टि की, सतयुग के आदि में भी पुरुषोत्तम संगम युग है। जिस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम सब पुरुषों में उत्तम बनते हो, परंतु वो आत्माएं स्वर्ग में कब आएंगी? जब ये स्वर्ग भी पास्ट हो जाएगा, त्रेता भी पास्ट हो जाएगा, जब पिछाड़ी होगी तब आत्माएं आएंगी। वो भक्त लोग कृष्ण को देखेंगे, क्या कहा है? जो भक्त होंगे, भले ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में हो, वो भक्त है भगवान के साकार रूप में किसको देखेंगे? है कृष्ण को देखेंगे, कृष्ण की बात ही देखेंगे। अच्छा, वो इन आंखों से देखेंगे है? इन आंखों से तो देखेंगे भी नहीं। और तुम है? तुम इन आंखों से स्वर्ग को देखेंगे। कौन सा स्वर्ग?
एकदम स्वर्ग का आदि। ये इस्लामी, ये बौद्धी, ये क्रिश्चियन कृष्ण का पैराडाइज देखते हैं क्या? देखते हैं? नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते। मनुष्य बनना है अगर तो स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। क्या मतलब? जो स्वर्ग और स्वर्ग के मालिक नहीं बनते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, स्वर्ग के मालिक नहीं बनते हैं तो वो मनुष्य नहीं है क्या? है या नहीं है? है, है तो, परंतु ईश्वर जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते, नहीं तो स्वर्ग के मालिक बनकर दिखावे। बनाने वाला तो है ना, अभी चांस मिलता है तो बनना चाहिए ना, क्योंकि मरना तो है ही। किसको मरना है? सबको मरना है, है कि कोई को मरना है और कोई को नहीं मरना है? है, सबको मरना है। लेकिन जो स्वर्ग में जाएंगे एकदम आदि में, वो जीते जी दे अभिमान से मरेंगे या शरीर से मरेंगे? और ये इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन आदि है जो अपने धर्म के पक्के हैं, उनको तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अभी तो लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। ये बाप ने समझाया है ना, ये एटमिक बॉम्ब्स तभी चलाएंगे जबकि हम सब बच्चे कर्मातीत अवस्था में लायक बन जाएंगे स्वर्ग की बात चाहिए भोगने के लिए। तब ही ये एटमिक बॉम्ब्स जैसे दीपावली में पटाखे कैसे फोड़ते हैं, है शुरुआत में ही एकदम फोड़ देते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं? पहले थोड़े थोड़े फोड़ते रहते हैं। ऐसे एक एक शहर धराशायी होता जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह गिरती जाएंगी और तुम बच्चे टीवी में बैठ करके देखेंगे। सैटेलाइट जैसा सारा प्रबंध तो हो चुका है ना, तो टीवी में तुम देखेंगे, परंतु जो आखिरी नजारा होगा, जैसे दीपावली में आखिरी क्या करते हैं, सारे पटाखे एकदम फोड़ देते हैं, ऐसे ही कुछ ही दिनों में सारी दुनिया धराशायी हो जाएगी। तब तुम बच्चे स्वर्ग की बादशाही करने लायक बन जाएंगे। तब तक थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ करते रहेंगे। क्या क्या करते रहेंगे? है कुछ न कुछ पाप करते रहेंगे। कर्मातीत अवस्था तब तक
नहीं होगी। फिर क्या होगा पिछाड़ी में? फिर पिछाड़ी में ये चले, खेल खत्म। तब तक ये बॉम्ब्स बनाते रहेंगे, ऐसे बनाते रहते हैं जो बोलते हैं कि हम एक दुनिया तो क्या कई दुनिया को उड़ा देवे, क्योंकि वो ऐसा क्यों बोलते हैं अहंकार में है? क्योंकि उनकी प्रीति बाप से नहीं है और तुम्हारी प्रीति बाप से है। अभी जितना प्रीति है उतना ही ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि गाया हुआ है क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो जो विजय माला है वो भी तो बहुत बड़ी है ना, तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे और नाली जी तो सुनेंगे ही जरूर, क्योंकि बाबा तो सच्ची नाली जी ही सुनाएंगे ना, वहां काल नहीं होता है। काल को वहां आने का अलाउ नहीं है। कहां है? सतयुग में है, सतयुग में ही नहीं, एकदम सृष्टि के आदि में भी काल को वहां आने का अलाउ नहीं है, जो तुम बच्चों को मार सके। ये सभी बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि स्वर्ग में काल नहीं होता है। मुसलमान लोग भी कहते हैं कयामत के समय में जब खुदा आएगा तो खुदा के बंदे बड़े आराम से रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर के मिले हुए, फिर से आकर के मिले हो है? या फिर अनगिनत बार से आकर मिले हो है? एक फिर या अनेक फिर, अनगिनत फिर बाद, एक बार क्या मतलब हुआ? एक फिर का क्या मतलब हुआ? यज्ञ के आदि में भी थे और अब अंत में भी आकर मिले हो, और मिलेंगे ही वो जो पहले पहले आए हैं, ऐसे नहीं कि बीच में आए हैं संगम में। कौन फिर मिलेंगे? जो यज्ञ के आदि में भी थे और अभी भी आके मिले हैं और मिलते ही रहेंगे। और उनको परम धाम भी पहले जाना है, मध्य में जाना है या अंत में जाना है? पहले पहले जावेंगे, वापस तो जावेंगे ना, तो उनको ही पहले पढ़ना है और जास्ती पढ़ करके होशियार होना है,
ऐसे नहीं कि जो बाद में आते हैं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि उनको पढ़ करके होशियार होना है। जो बहुत होशियार होते हैं फिर औरों को भी होशियार करते हैं। क्या इस ईश्वरीय पढ़ाई में होशियार ब्राह्मणों की क्या परिभाषा बताई? कैसे पहचानेंगे कि होशियार ब्राह्मण है, उच्च पद पाने वाले हैं, हैं? जो औरों की भी सेवा करें। देखते हो ना, म्यूजियम में गई थी, देखो कितने खड़े थे, ये सभी ब्राह्मण फिर देवता बनने वाले हैं। जितना बुद्धि योग बात से लगाएंगे उतना पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। क्यों? कोई औरों से बुद्धि योग लगावेंगे, कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई पढ़ने वाले मॉनिटर भी तो होते हैं ना, तो उनसे बुद्धि योग लगावे तो पुण्यात्मा नहीं बनेंगे है? क्यों? बाप जिन बच्चों की महिमा करते हैं हम उन्हीं से बुद्धि योग लगावे? तो पुण्यात्मा नहीं बनेंगे है? क्यों? अरे बाप भी जिनकी महिमा करते हैं, कुमार का है, हद की कुमार का, बेहद की, जो बेहद की कुमार का है, जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली है, अगर उसको याद करेंगे, मान लो उसकी वाणी रोज सुनते हैं, याद तो आएगी ना, तो ऐसी याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो पुण्यात्मा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हैं? इसलिए नहीं बनेंगे कि अभी भी अभी उनका भी पुरुषार्थी जीवन है या संपन्न है? पुरुषार्थी जीवन है, मन के अंदर संकल्पों से अथवा दृष्टि से कुछ न कुछ अपवित्रता हो ही जाती है। माया अभी किसी को छोड़ती नहीं है, तो वो कमजोरी याद करने वाले के अंदर भी आ जाएगी। तो एक को याद करना है या औरों को भी याद करना है? एक को याद करना है। तो वो रूहानी पिता है, और जिस्मानी पिता है बेहद का बाप प्रजापिता, तो दोनों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बाप कहते हैं रूहानी बच्चों नमस्ते। कौन बाप कहते हैं? रूहानी बाप, सिर्फ रूहों का बाप है, जिस्मधारियों का बाप नहीं। क्यों नमन करते हैं वो रूहानी बाप? क्यों नमन करते हैं? जिस्मानी बाप क्यों नहीं नमन कर सकते है? अरे कारण बताओ, कारण क्या है कि रूहानी बाप नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं?
नमन करते हैं तो झुकते हैं ना, तो वो क्यों झुकते हैं? जिसके लिए गाते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, वो झुकते हैं या उनके लिए कहा? जो झुकते ही नहीं। तुम बच्चों के सामने कभी मुरली में आया है? प्रजापिता ब्रह्मा का नमन है, जिसमानी बाप का नमन, किसका नमन कहते? प्रभुवाणी बाप का नमन। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसमें है तो अहंकार है, जब तक जिसमें है तब तक देह का अहंकार है, जिस्म नहीं है तो देह का अहंकार भी नहीं। तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े बन जाते हो, कैसे है? गीता में भी आया है, मैं तो हूं लेकिन एक और तुरी आत्मा है जिसको कहते हैं परमपद। किसका है परमपद? है ब्रह्मा सो विष्णु, वो परमपदधारी है। तो तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अच्छा, ओम शांति।